On my blackboard I can draw one little house with one green door, two brown gates that open wide, three red steps. Hello, this is Sisraj. So this is a short poem. On my blackboard I can draw la 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 la. इस हिसाब से आपको एक छोटी सी एक पोएम है और बहुत ही छोटी सी पोएम है, आप इसको याद भी कर सकते हैं और कैसे इसको आप गाएंगे वो भी आपको बताएंगे म्यूजिक के साथ में. दिस इज़ अ म्यूजिकल पोएम फ्रॉम क्लास सेकंड एंड चैप्टर नेम इज ऑन माय ब्लैक बोर्ड. आज हम देखिए इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं. हम इसमें न्यू वर्ड्स भी पढ़ेंगे, फिर इसका हम प्रोनंसिएशन भी करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे भी पोएम को भी, इसको हम सिंग भी करेंगे पोएम को, और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर भी जानेंगे. तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, न्यू वर्ड जान लेते हैं. सबसे पहले गेट्स वाइड लीड चिमनी मैरीगोल्स स्ट्रेट. अब सेंटेंस यूज भी है यहाँ पे. गेट्स बैरियर यूज्ड टू क्लोज एंड ओपनिंग इन द वॉल. फॉर एग्जांपल ऑल द स्कूल गेट्स गेट क्लोज्ड एट 3 PM. सी ओपन द हॉस्टल गेट फॉर मी. सेकेंड न्यू वर्ड वाइड to the full extent. For example, her smile is very wide. The road on which we are going to travel is wide. Third one, lead, means of access to a particular place. Example, all roads lead towards the temple. सारी roads जो है ना वो temple के पास में जाती हैं. Laziness will not lead you towards success. आलसीपन आपको कभी सक्सेस के लिए तरफ नहीं लेके जाएगा. चिमनी ए ग्लास ट्यूब टू लेट द स्मोक गो आउट ऑफ द बिल्डिंग. फॉर एग्जाम्पल आवर चिमनी हैज स्टॉप्ड वर्किंग. वी हैव आउट ए न्यू ग्लास चिमनी इन आवर किचन. फाइव नंबर न्यू वर्ड मैरीगोल्ड्स. मैरीगोल्ड्स ए प्लांट. मैरीगोल्ड के जो फ्लावर होते हैं जिनको गेंदे का फूल बोलते हैं. मैरीगोल्ड आपकी जो इंग्लिश की बुक है उसका भी नाम मैरीगोल्ड है. तो इसमें नंबर फिफ्थ जो न्यू वर्ड है वो है मैरीगोल्ड. ए प्लांट विथ येलो फ्लावर्स, जिसके जो फ्लावर्स होते हैं वो येलो कलर्स के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैरीगोल्ड इज़ माई फेवरेट फ्लावर. ए बी वॉज बजिंग अराउंड द मैरीगोल्ड फ्लावर. नंबर सिक्स स्ट्रेट, मूविंग इन वन डायरेक्शन ओनली, सीधा चलना. इट वॉज ए स्ट्रेट रोड टुवर्ड्स आवर होम. ओके, तो स्ट्रेट का मतलब है सीधा, यानी मूविंग इन वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में चलना, सीधा चलना, स्ट्रेट. और कर्ली लॉक्स जो चैप्टर था आपका उसमें भी ये वर्ड था स्ट्रेट वाला, कर्ली और स्ट्रेट. ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें ये सिक्स न्यू वर्ड हैं जिनका हम ने जो है सेंटेंस बनाए हैं यूज़ के साथ में. उन वर्ड का यूज़ करके दो दो सेंटेंस हमने हर न्यू वर्ड का बनाया है. अब आइए सबसे पहले हमने न्यू वर्ड जान लिए, अब हम इस पोइम को पहले तो रीड करते हैं, उसके बाद में म्यूजिक के साथ में इसको म्यूजिकल वॉइस में हम इसको गाते हैं. यूनिट नंबर सेवन. ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन draw. So this is the poem. Recite this poem. पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे line to line. उसके बाद में कैसे हम इसको गा सकते हैं, गा करके इसको हम याद करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा. On my blackboard I can draw. इस हिसाब से हम इसको शुरू करेंगे. तो यूनिट नंबर सेवन है आपकी इंग्लिश बुक में और पोइम का नाम है On my blackboard I can draw. पहले हम पढ़ लेते हैं, गा लेते हैं, उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी वी विल नो अबाउट दैट. ओके, सो लेट्स कम. यस, ऑन माय ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ वन लिटिल हाउस विथ वन ग्रीन डोर, टू ब्राउन गेट्स दैट ओपन वाइड, थ्री रेड स्टेप्स दैट लीड इनसाइड. Four little chimneys painted white, five little windows shining bright,
six yellow marigolds straight and tall growing up against the wall. So ये poem है छोटी सी. आइए अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे गा करके इसको पढ़ते हैं. ओके. On my blackboard I can draw one little house with one green door, one little house with one green door, two brown gates that open wide, three red steps that lead inside, four little chimneys painted white, five little windows shining bright, six yellow marigolds straight and tall. Growing up against the wall, growing up against the wall. On my blackboard I can draw, on my blackboard I can draw, I can draw, I can draw. One little house with one green door, two brown gates that open wide, three red steps that lead inside, four little chimneys painted white, five little windows shining bright, six yellow marigolds straight and tall, growing up against the wall. Okay, let's come. We will sing this poem with music, with beat. So please come and enjoy this poem on my blackboard. I can draw. On my blackboard, I can draw. On my blackboard, I can draw one little house with one green door, two brown gates that open wide, three red steps that lead inside, four little chimneys painted white, five little windows shining bright, six yellow marigolds straight and tall growing up against the wall. And now let us sing out this poem. Yes, let's make this poem into a song using beat and a tune. On my blackboard I can draw one little house with one green door, two brown gates that open wide, three red steps that lead inside, four little chimneys painted white, five little windows shining bright, six yellow marigolds straight and tall growing up against the wall. Okay, so now we will know about the question answers. How many windows does the house have in this poem? Where do the marigolds grow? Is ghar ki jo window hai wo kitni hai? So the house has five little windows in the poem. The marigolds grow up against the wall. ये दो क्वेश्चन इसमें हैं. पहले का आंसर है द हाउस हैज़ फाइव लिटिल विंडोज इन दिस पोएम और दूसरा है मैरीगोल्ड ग्रो अप अगेंस्ट द वॉल. ओके, उसके बाद में इनको हमें जो है प्रोनंसिएशन इनका करना है. ड्रो ब्राउन ट्री ग्रो ड्रेन ब्रेन थ्रो ग्रैप्स ड्रिप ब्रिक थ्रेड ग्रे. So students are advised to practice these on their own. आप भी इसको practice कर सकते हैं, इन वर्डों को बोल करके, आप उच्चारण करके. Okay, so these are the two rooms of the house. Color them best. मतलब यहाँ पे दो जो हैं room दिए हुए हैं इस घर के और उनको हमें color करना है उस हिसाब से, फिर sentence हमें बनाना है. इस activity को हमें complete करना है. So देखिए, this is my desk. It has dash window. The color of my bed is dash. There are dash pictures on the wall.
उसके बाद में दूसरे रूम के बारे में है, दिस इज ए डैश, इट हैज़ डैश इन इट, वी वॉज डैश हियर, इट हैज़ डैश कर्टेंस, इट हैज़ डैश टेबल। ओके, यहाँ पे दो रूम्स के बारे में दिया हुआ है, ये जो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये जो है ना सेंटेंस, ये पहले रूम के बारे में, और फिर जो नेक्स्ट सेंटेंसेज हैं, ये जो फोर सेंटेंस नेक्स्ट फोर सेंटेंसेज हैं, ये दूसरे रूम के बारे में, ये जो आपको ब्लैंक यहाँ पे दिख रहा है, जो रिक्त स्थान दिख रहा है, उस पर आपको लिखना है। आपको पिक्चर आपको बुक में आप देख सकते हैं उसको। ओके, सो करते हैं हम, दिस इज़ माई रूम, पहला हम ले लेते हैं, दिस इज़ माई रूम, इट हैज़ वन विंडो, इसमें एक विंडो है, द कलर ऑफ माई बेड इज़ ग्रीन, आप कैसा भी कर सकते हैं और फिर उस हिसाब से आपको उसमें कलर करना है। देर आर थ्री पिक्चर्स ऑन द वॉल, फिर दूसरे रूम के बारे में, दिस इज़ अ ड्राॅइंग रूम, इट हैज़ ए काउच इन इट, वी वॉच टेलीविजन हियर, इट हैज़ ग्रीन कलर्ड कर्टेंस, इट हैज़ वुडन टेबल, राउंड टेबल, आप कुछ भी लिख सकते हैं उस हिसाब से आपको कलर करना है। ओके, यूजिंग द पिक्चर्स एज क्लूज फिल इन द ब्लैंक्स, सो ही इज एज बिजी एज ए बी, है ना, पिक्चर दे रखी है बुक में आप देख सकते हैं, दूसरा पहले में बी आएगा, राज इज एज स्लो एज ए स्नेल, दिस पेन इज एज लाइट एज ए फेदर, माई हेयर इज एज ब्लैक एज डार्क नाइट। सो पिक्चर आप देख करके लिख सकते हैं, आंसर दे रखे हैं यहाँ पे, एक बार दोबारा देख लीजिए, ही इज एज बिजी एज ए बी, राज इज एज स्लो एज ए स्नेल, दिस पेन इज एज लाइट एज ए फेदर, माई हेयर इज एज ब्लैक एज डार्क नाइट। तो पिक्चर यहाँ पे दे रखी है, उस हिसाब से आपको वहाँ पे उनका नाम लिखना है, ठीक है, जैसे पहला बी यहाँ पे दे रखा है, उसके बाद में स्नेल की पिक्चर है, उसके बाद में जो फेदर है पंख दे रखा है, उसके बाद में जो डार्क नाइट है, है ना। ओके, तो यहाँ पे यहाँ से देख करके आप नीचे दो आंसर दे रखे हैं, यहाँ से देख करके आप उस बुक में लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, पहले में बी, दूसरे में स्नेल, तीसरे में फेदर और चौथे में डार्क नाइट। ओके, ये चार आंसर हैं इन चारों के। ओके, ये पेज नंबर 108 है, 108। आइए उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे देखिए पेज नंबर 109, द बॉय इज़ रनिंग वेरी फास्ट, द बॉय इज़ वॉकिंग वेरी, हमें यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, जैसे लास्ट जो है ना पहले सेंटेंस का फास्ट, तो इसका लिखना है, नीचे आप आंसर भी देख रहे हैं, देखिए, द बॉय इज़ रनिंग वेरी फास्ट, द बॉय इज़ वॉकिंग वेरी स्लो, द क्लाउन इज़ वेरी हैप्पी, द क्लाउन इज़ वेरी सैड, गर्ल इज़ वॉकिंग ऑन ए लूज रोप, द गर्ल इज़ वॉकिंग ऑन ए टाइट रोप। तो पहले में आएगा स्लो, दूसरे में आएगा सैड, तीसरे में आएगा टाइट, ये तीन यहाँ पे आंसर होंगे, फास्ट का ऑपोजिट स्लो, हैप्पी का ऑपोजिट सैड, लूज का ऑपोजिट टाइट। ओके, तो ये तीन ऑपोजिट वर्ड यहाँ पे आपको लिखने हैं, पहले में आएगा फास्ट का ऑपोजिट स्लो, हैप्पी का ऑपोजिट सैड, और तीसरा जो है लूज रोप, है ना, तो लूज का मतलब जैसे ढीला हो गया, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा टाइट, टाइट रोप। तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देर। ओके, तो ये हो गए, उसके बाद में कुछ जो है आपको प्लूरल सिंगुलर भी लिखने हैं, एक वचन बहुवचन जिनको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, एस ई एस लगाते हैं हम लास्ट में, आइए वो भी देख लेते हैं, कुछ लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ये देखिए, चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल बाय एडिंग ई एस, आई ई एस एंड वी ई एस, फॉर एग्जाम्पल, बफेलो, बफेलोज, बेबी, बेबीज, नाइफ, नाइव्स। तो पहला है हीरो, ऊपर जो दे रखा है ना उसी हिसाब से हमें नीचे करना, जैसे बफेलोज में क्या कर रखा है, ई एस लगा रखा है, तो हीरोज में भी ई एस लगेगा, पोटेटो में भी ई एस लगेगा, फिर नेक्स्ट है फ्लाई में आई ई एस लगेगा, वाई को हटा करके, लेडी को लेडीज़, फिर वुल्फ है तो वुल्फ में वुल्फ वोल्व्स लगेगा, डब्ल्यू ओ एल वी ई एस, और लोफ का लोव्स लगेगा, एल ओ ए वी ई एस। तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर, ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रो, ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रो। ओके, सो दिस इज़ द पोएम, और कैसे लगी आपको, आप भी इस पोएम को याद करके हमें सुना सकते हैं, और टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, थैंक यू सो मच।